दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। महानगर पालिका की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रखा गया। अकोला कृषि उपज मंडी समिति से तपे हनुमान मंदिर मार्ग पर सड़क की दोनों ओर फैले अतिक्रमण पर गजराज चलाया गया। कई टीन शेड की दुकानें तोड़ी गयी, जिससे अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया। शादी समारोह में शामिल होने आए पुणे के एक परिवार को अज्ञात चोरों ने भारी झटका दिया है। होटल के रूम में रखे हुए लगभग 10 लाख के गहने अज्ञात चोर ने पार कर दिए हैं। ये घटना रिधोरा स्थित जलसा होटल में घटी है। आगे की जांच बालापुर पुलिस कर रही है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के सभागृह में अभ्यागत समिति की पहली निरीक्षण बैठक संपन्न हुई, जिसमें आम नागरिकों को अस्पताल में अच्छी सेवा मिले, साथ ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो और जिला नियोजन समिति के माध्यम से पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए अधिक से अधिक निधि लेकर मरीजों को उत्तम सेवा उपलब्ध कराने के विषय में चर्चा हुई। अकोला महानगर पालिका प्रशासन की ओर से शास्ती अभय योजना चलाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले भी दाखिल किए गए, फिर भी बड़े बकाया धारकों ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया। इस कारण ऐसे बकाया धारकों को रडा पर रखते हुए मनपा ने फिर से सील की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को 1,35,000 रुपए बकाया संपत्ति कर को लेकर माधुरी वाइन बार को सील ठोका गया। अकोला गजानन पैलेस मलकापुर रोड निवासी जिनल शैलेश माटलिया द्वारा वेस्ट चीजों से क्रिसमस पर बेस्ट कलाकृति बनाई गई। जो सामग्री वेस्ट रहती है, जैसे प्लास्टिक बॉटल, आमंत्रण पत्रिका तथा अन्य वस्तुओं को जो हम फेंक देते हैं, उन वस्तुओं का उपयोग करके जीनल ने सुंदर कलाकृति तैयार की है। उनके इस प्रयास की सभी जगह प्रशंसा की जा रही है। अकोट बाजार समिति में गुरुवार से कपास खरीदी के लिए फिर से शुरुआत हो गई। कपास को 8,300 से 8,800 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिला। बाजार समिति प्रशासन और व्यापारी में कपास खरीदी से तनाव होने से कुछ दिन खरीदी बंद थी, जो कल से फिर शुरू हो गई। अकोला जिले में कपास को सबसे अधिक दाम अकोट के बाजार में ही मिलता है। बिजली बिल की बकाया राशि को लेकर बिजली आपूर्ति कट किए गए ग्राहकों के लिए बिजली आपूर्ति फिर सुचारू करने के लिए महावितरण द्वारा विलासराव देशमुख अभय योजना शुरू की गई है। ये योजना 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। जिले में अब तक केवल 774 ग्राहकों ने उक्त योजना का लाभ लिया है। महाराष्ट्र में कनिष्ठ महाविद्यालयों जूनियर कॉलेज में अतिरिक्त कक्षाओं को मंजूर करने का अधिकार अब केवल राज्य सरकार के पास होगा। इससे राज्य के अनुदानित, आंशिक अनुदानित, गैर अनुदानित और स्थायी गैर अनुदानित महाविद्यालयों में कक्षा 12वीं की अतिरिक्त कक्षाएं बिना सरकार के मंजूरी की नहीं बढ़ाई जा सकेंगी। अकोला मनपा में अमृत योजना के तहत प्रथम चरण में जलापूर्ति योजना की लागत 105 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हो गई है। सरकार ने मूल राशि की लागत को वित्त पोषित किया, इसलिए शेष राशि खर्च करने की चुनौती मनपा के सामने आ गई है और बढ़ी हुई धनराशि प्राप्त करने के लिए मनपा ने फिर संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा। क्रीड़ा युवक कल्याण संचालनालय पुणे और जिला खेल अधिकारी अकोला इनके संयुक्त तत्वाधान में हाल ही में ली गई विविध स्पर्धाओं में स्थानीय मनुताई कन्याशाला विद्यालय की छात्राओं ने विजय प्राप्त कर विभागीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह निश्चित कर ली है। न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।